नमस्कार। बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। कल बिहार की राजनीति में गर्माहट तेज रही है, ऐसा अगर कहें तो देश की राजनीति में भी गर्माहट तेज हुई। एक ओर जहां कांग्रेस को झटका लग रहा था पंजाब में, वहीं दूसरी ओर बिहार में जो कन्हैया कुमार है उसके जो है शामिल करा लिया गया कांग्रेस में, और इसको लेकर के अब कांग्रेस इस स्थिति में है। कांग्रेस कह रही थी कि कांग्रेस का आला कमान सोच रहा था कि बिहार में जैसे ही कन्हैया कुमार का पदार्पण कराते हैं, इसके साथ ही बिहार कांग्रेस जो दिन प्रतिदिन गर्त में जा रही है उससे एक नई संजीवनी मिलेगी, और इसी उद्देश्य से कन्हैया कुमार को शामिल भी कराया गया है। लेकिन अब आपको बताते हैं कि ऐसे में एक बड़ा झटका लगा है बिहार कांग्रेस, माफ कीजिए, कांग्रेस का जो आलाकमान है उसे एक झटका लगा है। बिहार कांग्रेस में कन्हैया कुमार के शामिल होते ही गुटबाजी तेज हो गई है, भीतर खाने में हलचल तेज हो गई है। हलचल तेज हो भी कैसे नहीं, क्योंकि पुराने जितने किले बने हुए थे उसे ध्वस्त करने की बात चल रही है। आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। देखिए, बिहार में कन्हैया कुमार की जो राजनीति है, रणनीति, वो आसान नहीं होने वाली है। भले ही जो कांग्रेस के आलाकमान ये दावा कर रहे हो कि कांग्रेस में कन्हैया कुमार जी नया जान फूंक देंगे बिहार में आते ही, लेकिन सीधे तौर पर, प्रैक्टिकल तौर पर ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस में गुटबाजी तेज हो गई है, कन्हैया कुमार का ही विरोध होना शुरू हो गया है। बड़ी खबर है जो भारत लाइव की टीम आपको बता रही है। इसमें अभी नाम नहीं बताएंगे किसने क्या कुछ किया है, लेकिन सीधे तौर पर समझिए, बिहार कांग्रेस में पहले से ऐसे युवा हैं जो कांग्रेस में अपना पूरा दमखम दिखाते रहे हैं। कांग्रेस के लिए किसी भी मुश्किल परिस्थिति में उन्होंने कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा है। ऐसे में किसी अलग जगह से सीपीआई से ला करके कन्हैया कुमार को बिहार की राजनीति में दे देना, ये बिहार कांग्रेस के जो यूथ के जो लोग हैं, जो कई कदावर नेता हैं, उसे जो है स्पष्ट नहीं हो पा रहा है, उसे उसके लिए पचा पाना बेहद मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस में अब गुटबाजी तेज हो गई है। खबर यह है कि कन्हैया कुमार जैसे सीपीआई से ले आ करके अब कांग्रेस में शीर्ष जो है, कांग्रेस में अगर शीर्ष नेतृत्व तो उसकी एंट्री कराती है, बिहार कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा हो रही है, तो ऐसे में सवाल खड़ा हो जाता है उन तमाम लोगों पर, उनके अस्तित्व पर। आपको बता दें कि कांग्रेस में वर्तमान में युवा के प्रदेश अध्यक्ष है गुंजन पटेल जी, चुनाव भी लड़ चुके हैं, दमखम भी दिखाए थे, एक बड़े कदावर नेता, जदयू के कदावर नेता के खिलाफ चुनाव लड़ने गए थे। इसके बाद शकील अहमद रंगरेज जी हैं, युवा नेता है कांग्रेस के, बेहद सुलझे हुए व्यक्तित्व है, और ऐसे में वे तमाम लोग जो है साथ रहे हैं। इसके बाद कुमार आशीष है जो युवा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, कुमार आशीष। इसके बाद सुमित कुमार सन्नी काफी एक्टिव है, एनएसयूआई के जो है पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। ये तमाम चीजें जो है, ये तमाम युवा है कांग्रेस में जो अभी काफी ज्यादा सक्रिय थे बिहार कांग्रेस में। लेकिन कन्हैया कुमार की जिस प्रकार से एंट्री हुई है, जिस गाने बजाने के साथ, जिस उत्साह के साथ एंट्री हुई है, ये इन लोगों को नगवार गुजर रहा है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं, युवा जो है, जो पहले से कांग्रेस में आस लगा करके बैठे थे, उन तमाम युवाओं के उम्मीदों को एक बड़ा झटका लगा है। ऐसे में खबर आ रही है कि कांग्रेस के भीतर खाने में, बिहार कांग्रेस के भीतर खाने में युवा विरोध में उतारू हो गए हैं कन्हैया कुमार के। लेकिन एक और दूसरी और दूसरी बात भी है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी बिहार में सक्रिय है, महागठबंधन का एकमात्र चेहरा है। ऐसे में कन्हैया कुमार अगर बिहार की राजनीति में आते हैं कांग्रेस की ओर से, तो गठबंधन में एक दूसरा चेहरा बन जाएगा, दूसरा पॉइंट बन जाएगा, वो होगा कन्हैया कुमार का। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी इतनी आसानी से उन्हें पॉइंट नहीं बनने देंगे। दो तरफा हमला में जो है कन्हैया कुमार घिर गए हैं। एक ओर जहां बिहार कांग्रेस के युवा के जो लोग हैं वे कन्हैया कुमार के नाम पर जो है सहमत नहीं हो पा रहे हैं, एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी इस बात को लेकर के सहज नहीं है कि कन्हैया कुमार की बिहार कांग्रेस में एंट्री होगी। इसका मार्गी तब दिखता है जब तेजस्वी यादव जी के करीबी माने जाने वाले राजद के कदावर नेता है भाई वीरेंद्र, वे कहते हैं कन्हैया कुमार कौन है हम जानते ही नहीं है। जो भारत लाइव के साथ जो भी अपडेट होगा भारत लाइव की टीम सबसे पहले आप तक पहुंचाएगी। इसके लिए जरूरत है कि भारत लाइव की खबरों को आप यूं ही देखते रहे, शेयर करते रहे और हमारा मनोबल बढ़ाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाई। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।